टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुंबई के दादर स्थित घर राजगृह में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने कांच की खिड़कियों को पत्थर मारकर तोड़ दिया, साथ ही सीसीटीवी और गमलों को भी तोड़ा गया है। इस घटना के बाद दलित समाज में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। दलित समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के घर की तरफ कूच करने लगे, मगर प्रकाश अंबेडकर ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की और बाबा साहब अंबेडकर के घर की तरफ कूच न करने को कहा। हालांकि इस पूरी घटना में पुलिस ने दो अज्ञात व्यक्तियों पर FIR दर्ज कर लिया है। दादर में दो मंजिला हेरिटेज बंगले में बाबा साहब अंबेडकर म्यूजियम है, जहां बाबा साहब की किताब, बर्तन, कलाकृतियां रखी हुई हैं। तोड़फोड़ की घटना मंगलवार को हुई है। हालांकि गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस घटना को निंदनीय बताया है। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है और भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच होगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह से मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा है कि ये घटना निंदनीय है। हम जिसे पूजते हैं, जिसके संविधान का पालन करते हैं, उस बाबा साहब अंबेडकर के घर पर तोड़फोड़ हुई है, जिससे हमें काफ़ी दुख है। हाँ, निंदनीय है, मनाला यातना देना है। कारण का आम्हाला ही नुसती वास्तू नाही, हे बाबासाहेबांचं घर नाही, तर आमच्या दृष्टीने श्रद्धालय। इथल्या प्रत्येक अणुरेणूमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं वास्तव्य, त्यांचं पुण्यस्पर्शाचं जाणीव होते, ज्याने जगाला दिशा दिली। म्हणजे माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला। ज्या वास्तूमध्ये त्यांनी अभ्यास केला, ज्या तरुण बालक म्हणून ज्यांना वर्गात बसू दिलं नव्हतं, त्यांनी करोडो लोकांना वर्गात बसवण्याची हक्क मिळवून दिले। त्यांच्या घराबाहेर असं काहीतरी विकृत होणं, हे कोणीतरी विकृतच करू शकतं। घरच्यांशी मी चर्चा केली, माहिती घेतली, घरच्यांचं म्हणणं आहे की एक माणूस होता आणि तो वेडसर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। असं कोणी सरकारची सखोल चौकशी करेल, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तसंच सांगितलं, माननीय गृहमंत्र्यांनीही तसंच सांगितलं आहे। पोलीस कामाला लागले, पोलीस तपास एकदम गांभीर्याने करतील। कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता, याला राजकीय रंग न देता, समाजाच्या दृष्टीने कलंक असलेली ही घटना, याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकार सत्य जनतेसमोर आणेल। आज सकाळीच मला पवारसाहेबांचाही निरोप आला होता की जाऊन वास्तूला भेट देऊन तिथली परिस्थितीची पाहणी करा। परिस्थितीची पाहणी केली आणि कुटुंबियांनी जे सांगितलं ते मी जनतेला सांगतो की त्यांचं म्हणणं हा कोणीतरी वेडसर माणूस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। कोणीही असो, चौकशी होईल आणि ज्यांनी केलं आहे त्याला शासन होईल।